तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। आई होप सभी बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं हो तो मैं सही बता रहा हूँ, ये गेम पे देखिए पक्का बढ़िया होने वाले हो। अब यार गेम पे स्टार्ट होने से पहले मुझे ये बताओ, क्या आप में से कई लोगों ने BT लाइव को सब्सक्राइब नहीं कराया? गाइस जाके सब्सक्राइब कर लो, हम विद इन अ वीक भाई इस पे स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे और मैं उन सब्सक्राइबर के साथ ही खेलूंगा जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है गाइस। तो भाई जाके सब्सक्राइब कर लो, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल की बात करें तो यार हम कूदे मिलिट्री बेस और हमारे साथ एक स्क्वाड और कूदी है, और जो कि भाई सामने होती है, और जिनमें से एक बंदा भाई बहुत हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। फिर देखो भाई इसमें कैसे बढ़ते हैं। अब यार 25 गोलियां होने के कारण ये बंदा बच गया। अगर इसमें सपोज 30 गोलियां भी होती तो पक्का ये बंदा फिनिश होता, क्योंकि फिलहाल कोई बात नहीं। अभी मैं जैसे इस तरफ आता हूँ इन एमो को उठाने के लिए, तभी गाइस मेरे को बिल्डिंग में बंदा दिखता है। और फिर देखो भाई तीनों विंडो पे लगातार 25 गोलियों का स्प्रे गया और बंदा हो जाता है नॉक। तो भाई ये ट्रिक आपको कैसे लगी, मैंने पहले जूम कर लिया था, बंदा वहीं जाएगा और फिर भी आगे वहीं जाएगा, और इस चक्कर में मैंने उसे बड़े प्यार से नॉक कर दिया। और अब क्योंकि दो बंदे इनकी नॉक है तो जाहिर है बचेंगे सिर्फ तो दो बंदे, तो मैं फटाफट पुश कर देता हूँ। और मेरे को जो नॉक वाला बंदा है गाइस वो दिख जाता है इस तरफ आता हुआ इस कमरे में, और लेकिन लगे मेरे को यहाँ पे वेस्ट भी मिलाती है, पहले मैं वेस्ट उठाता हूँ। और फिर देखो भाई भाई सीरियसली सही बता रहा हूँ, अगर मैंने वेस्ट नहीं उठाई होती मे भी मैं यहाँ पे नॉक हो जाता बड़े पैसे, क्योंकि सारा का सारा एम असिस्ट भाई चला गया उस बंदे के ऊपर जो कि नॉक हुआ था। और इतने में भाई उस बंदे ने मेरी क्या ही हेल्थ की थी। खैर फिलहाल की बात मैं फटाफट ड्राइव होता हूँ, और भाई साहब ऊपर वाले बंदे बैठाए कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदे इतने में भाई बगल वाली बिल्डिंग में चले आते हैं। तो मैं कन्फर्म करने के, मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद ये बंदे यहीं पे आसपास लेटे होंगे, तो मैं पहले कन्फर्म करने के लिए आता हूँ इधर उधर। और अपना एम देखो भाई मैं वहीं पर रख रहा हूँ जहाँ पे हो सकता है मेरे को बंदा लगेगा, मैं अपना एम वहीं पर लेके आता हूँ। क्योंकि यार आप लोग कई बार बोलते हो कि आपको कैसे पता बंदा यहाँ पे होता, अपना एम यहाँ पे भी रखते हो। गाइस हम खुद अज्यूम करते हैं पहले कि बंदा हमें लगता है यहाँ पे होगा, ये हम खुद अज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पता है वहाँ पे बंदा होगा। अब मैं जैसे इस बिल्डिंग में आता हूँ गाइस मेरे को लास्ट में बंदे स्पॉट हो जाते हैं। अब यार जैसे ही इनका ये बंदा नॉक हुआ मैं फटाफट क्लोजिंग कर देता हूँ, और मुझे उसका बंदा वहां पे स्पॉट होगा, तो मैंने फटाफट वहां पे मॉली थ्रो कर दी और शायद से मॉली लग गई थी क्योंकि एक गोली में ही मरा है। अब यार यही होता है जब आप पैनिक होके खेलते हो, अगर आप पैनिक होके नहीं खेलोगे तो मैं सही बता रहा हूँ आपको भाई अज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि बंदा कहाँ से एंट्री लेगा, कहाँ पे हमें ग्रेनेड वगैरह थ्रो करने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भाई खुद आपके अंदर होती हैं, आपके प्रो बनाती हैं कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है फिलहाल देखो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, सब कुछ निपटा दिया, इसके साथ सेवा यहाँ पे कोई और होता नहीं है। हमने फटाफट लूट वूट करी और निकल लेते हैं वापस से और बंदों की तलाश में, और चले आते हैं पहले नोवो की तरफ, क्योंकि नोवो लाइन बताया लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिला। तो वापस से अपनी गाड़ी उठा के निराश हो गए, हम चल देते हैं जोन की तरफ। और यार देखो अगर आप ब्रिज पे से जा रहे हो तो आपको ड्राइवर का काम नहीं है, ये आपका काम है कि ब्रिज कैंप है या फिर नहीं है ये पता लगाना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पता लगा लिया है कि भाई आगे ब्रिज कैंप है, और मैं फटाफट अपनी गाड़ी बोल के भाई पीके रुकवा देता हूँ यहीं पे। अगर DP जो होती है सटीक एंगल बना के मैं सोच रहा था क्या इनके पैरों पे गोली मार पाऊँ, और फिर देखो भाई साहब मैं लगातार टैप टैप शॉट ले रहा हूँ, ये नहीं स्प्रे दे रहा हूँ कि अगर एमओ भी की बचत करनी है और भाई बंदा नॉक हो जाए ये भी करना। और भाई अभी देखो लगातार दो तीन सेम जगह पे टैप टैप फायर करे और बंदा नॉक हो जाए, तो इतनी प्यारी DP चलती है। फिर फिलहाल हमें पता था हमें पुश करना है, लेकिन हम अभी पुश करने वाले नहीं है क्योंकि वो बंदा ऐसी जगह पे बैठा था जहाँ पे भाई साहब इन बंदों को आना आसान नहीं था, क्योंकि हम लगातार इन पे एम करके बैठे ही थे। और जहाँ मेरी रिलोडिंग आती है गाइस इनके भाई बंदे कर देते स्मोक, और मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ भाई अचल अब करते हैं पुश। अब यार हमने अपना दिमाग लगा लिया था कि हम ये करने वाले यहाँ पे कि पिकाचू ड्राइविंग करेगा और मैं मस्त ग्रेनेड की पिन खींच के तैयार रहूँगा, इनके तरफ ग्रेनेड थ्रो कर दूंगा, लेकिन हम बीच में रुकेंगे नहीं कहीं भी। और इतने में देखता हूँ बगी वाला आता है लेफ्ट राइट ट्रक की तरफ, तो मैंने एक ग्रेनेड गाइस उसकी तरफ भी फेंक दिया और यार दूसरा ग्रेनेड मैंने राइट फेंक दिया। अब ये यार प्रो लेवल ब्रिज कैंप हमने इतना कंधा तोड़ा कि मैं सही बता रहा हूँ ये बंदे चार होने के बावजूद हम पे पुश करने का रिस्क नहीं लेते हैं, हम इनका वेट काफ़ी देर तक करते हैं लेकिन ये बंदे भाई साहब आगे आते ही नहीं है। अगर फिलहाल देखो जब ये फाइनली बंदे स्मोक स्मोक कर रहे होते हैं और भाई जितने भी जोन भी आती है तो हम डिसाइड करते हैं पता नहीं भाई कब आएंगे, छोड़ो जोन में चलते हैं। तो हम यहाँ पे आके अपनी गाड़ी रोक लेते हैं फाइनली, और इतने में मेरे को पीछे से कुछ फायरिंग साउंड आते हैं गाइस। देखो कैसे ओपन में लेटा हुआ है, मतलब नॉक है।
अब यार ज्यादा नहीं, लेकिन दो शॉट तो कनेक्ट हुए ही थे बंदे पे। तो मैं पिकाजी से बोलता हूँ चल छोड़ यहाँ पे भाई, ये बंदे पता नहीं कब के कब आएंगे। हम उस सोलो बंदे पुश मार रहे हो, क्या पता वो पीछे से अगर बंदे आते तो यार थर्ड पार्टी ना कर जाएगा। फिलहाल देखो जैसे मैं इस तरफ आता हूँ, पिकाजू को उसकी डायरेक्शन परफेक्टली नहीं पता थी और शायद मैं समझा भी नहीं पाया ढंग से, तो पिकाजू बिना रिस्क लिए हुए गाड़ी रोक देता है घर की तरफ। अब जैसी गाड़ी रोके मैं सबसे पहले ऊपर की तरफ जाता हूँ, मैंने सोचा क्या पता घर में एंगल अच्छा सा बन जाए हाई रिस्क से, भाई क्या पता मेरे को बंदा दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और मैं फाइनली पिकाचू को बता देता हूँ बंदा डायरेक्शन में है, देखता रहे अगर दिख जाए तो, लेकिन वो तो नहीं दिखा। पर सेम टाइम पे गाइस ये बंदे पता नहीं किन्हीं बंदों से फाइट रहे थे और ये ब्रिज वाले बंदे ही थे। खैर फिलहाल जो भी था, हमने डिसाइड करा कि अब हम इस सोलो बंदे पे डायरेक्ट पुश करने वाले हैं। और हम जैसे ही निकलते हैं, मुझे लगा था बंदा राइट साइड रिज पे लेटा हुआ, लेकिन भाई साहब वो वहां पे नहीं होता है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता चला ये बंदा वहां पे कब चला गया। खैर फिलहाल जो भी था, पिकाचू ने प्री फायर दिया। और इतने में मुझे कवर में आने का मौका मिल गया फाइनली। अगर वो बंदा भी काफी तक लेटता तो वो अपनी ऑब्वियस वाले हील कर ही रहा होगा, इतने में मुझे रिवाइव मिल जाता है। और वो इतने रेंज में भाई हम पे ओपन से पुश करने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला था। फिलहाल होता मैंने फटाफट अपनी हीलिंग करी और फिर देखो अगर मुझे पता था ये बंदा भी राइट साइड से ही पीक करेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बंदे राइट साइड से ही पीक करते हैं अपने, क्योंकि उन्हें वही कंफर्ट लगता है वहाँ से पीक करने, क्योंकि लेफ्ट साइड में पीक करके एम बिठाना डायरेक्ट बहुत ही मुश्किल रहता है। क्या फिलहाल देखो हमने फटाफट से पेला भाई लूट वूट कर इसके निकल लेते हैं वापस जोन की तरफ। अगर नए मैप में काफ़ी कुछ नया बदल चुका है, तो मुझे लगा लेफ्ट साइड में कुछ गाड़ी वाड़ी खड़ी है, लेकिन आगे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सेम टाइम पे गाइस पीछे से कुछ गाड़ी चली आ रही हमारी तरफ। लगता है ये बंदे भाई फॉर्मेशन है कुछ ज़्यादा दीवाने, क्योंकि यार इनने भाई पूरी पूरी दो गाड़ियाँ लेकर भाई दो दो बंदे करके स्प्लिट हो रखे थे। यार अच्छी बात है, मतलब फॉर्मेशन नए मैप में भाई करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। यार नया मैप ना बिल्कुल कॉम्पिटेटिव लाइक हो चुका है, क्योंकि उसमें इतने कवर बन चुके हैं कि आप कहीं भी होगे ना आपको पूरी स्क्वाड भाई कहीं भी कवर ले सकती है। खैर हम भी थोड़ा आगे चले जाते हैं और देखते हैं भाई ये बंदे यहीं पर रुक चुके हैं, क्योंकि एक गाड़ी इनकी ज़्यादा धुआं दे गई थी, तो जाहिर सी बात है एक गाड़ी रुकेगी तो दूसरी गाड़ी भी रुकनी थी। खैर फिलहाल देखो थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करने के बाद बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ मैं जंप करके, तभी मेरे को कुछ आगे की तरफ बंदे स्पॉट आते हैं जो कि स्पीड के पीछे होता है। खैर फिलहाल देखो मैं पिकाजू को मार्क कर रहा हूँ, स्पीड पे बंदा है, तू लेफ्ट साइड देख अगर एंगल बना पाता है तो। अब इतने में यार सेम टाइम पे तुम अभी देखो इतने सारे कवर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्क्वाड क्या ही हरकत करने वाली है, बस तुम देखते जाओ। फिलहाल बंदा अच्छे खासे कवर में जा सकता था, बल्कि पेड़ वेड़ हैं, लेकिन भाई साहब उसने प्रेफर करा लेटना। इसका किसी भुगतान बनना पड़ा, बड़े प्यार से मैंने नॉक प्लस फिनिश तुरंत ही कर दिया और मेरे को दूसरा बंदा 20 पॉइंट जाता है। और जितने में देखता हूँ पिकाचू भी एक बंदा नॉक रहता है, तो उनके दो बंदे निबट चुके हैं, अभी दो बाकी हैं। और इतने में इसका तीसरा बंदा भी नॉक, और चौथा बंदा जो कि अभी लेटा है भाई यहाँ पे देखो बस। और इसके साथ भाई साहब इस नगीनी स्क्वाड का सफाया हो गया, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ यार इतने सारे कवर बन चुके हैं नए मैप में, तो भाई लेटना भाई ना बहुत गलत है, आप कवर लिया करो। खैर फिलहाल जो भी था फटाफट लूट लूट करते हैं और चले आते हैं आगे की तरफ। और इतने में हमारा फ्यूल खत्म हो जाता है गाइस, अब भाई पैदल ही आगे जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत हुई नहीं हमें आने में, यहाँ पे हमें कोई होता नहीं है और हम इजीली पैदल आ जाते हैं इस घर की तरफ। लेकिन इतने में जैसे मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो बंदे, तभी एक मेरे को डांसे की आवाज़ आती है। अबे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दो तीन तो बॉडी शॉट कनेक्ट हुए थे। लेकिन यार ये बंदे यहाँ पे बिल्कुल भी गाड़ी नहीं रोकते हैं, पर ये क्या भाई ये पूरा रोटेशन लेके आते यहीं पे हैं। तो मैंने कहा भाई चलो, मतलब हिम्मत तो है लॉन्डो में फाइट लेने की, तो यार हम भी चल पड़ते हैं पहले से ही इनके स्वागत की तैयारी करने के लिए। फिलहाल देखो मैं फटाफट थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, अपने टीममेट को भी कॉल देता हूँ कि तू भी आगे आ जा। और अब क्योंकि गाड़ी आगे रुकी, तो आगे जाने से पहले एक ग्रेनेड थोकना तो बनता है, तो मैंने फटाफट इस ब्रोकन वॉल के बगल में एक ग्रेनेड थोक कर दिया। लेकिन यार ये बंदे भाई राइट साइड चेक में होते हैं। खैर फिलहाल के बाद मेरा एक ग्रेनेड वेस्ट हुआ, अभी भी मेरे पास चार हैं, कोटा है अभी हमारे पास, तो मैंने इस तरफ ग्रेनेड थ्रो करा।
लेकिन अब ये दूसरा ग्रेनेड भी वेस्ट हुआ, लेकिन भाई साहब अब जो ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कई बार एक बंदा नॉक हुआ तो मैंने खिड़की से गेट खोला तो मैंने सोचा कि एक ग्रेनेड यहाँ से फेंक देता हूँ, क्या पता चला है, लेकिन भाई साहब हल्का सा जायरो हिल गया। क्या फिलहाल जो भी था मैंने फटाफट एक रैंडम ग्रेनेड थ्रो करा और कर दिया इन पे डायरेक्ट पुश। और यार इसी हद 1v3 यहाँ पे, मतलब ठीक है यहाँ पे 1v2 मानो, एक बंदा ग्रेनेड से आ चुका था। क्या फिलहाल जो भी था यार, अच्छा था कि नहीं था ये बताओ, अगर अच्छा था तो एक लाइक दे दो गाइस। और इसके बाद फटाफट यहाँ पे भी हम लूट थोड़ी बहुत लूट करते हैं, मतलब लूट ज़्यादा तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ग्रेनेड वगैरह हो तो भाई अच्छा रहता है खेलना। क्या फिलहाल देखो जैसे फटाफट में आगे चले जाते हैं, मेरे को यहाँ पे बंदा स्पॉट होता है, अब तो बस ये देखना भाई मैं इसे डैमेज दूंगा। लेकिन भाई साहब खेल तो कोई और ही लेके जाएगा। खैर फिलहाल जो भी था, पीछे जो उस तरफ रिच पे बंदे थे उस बंदों ने भाई साहब इस बंदे को भर दिया और अब हम गुस्से में आ गए थे, हमने कहा बदला लेंगे। और वैसे थोड़ा सा आगे आता हूँ गाइस, पिकाचू एक बंदे को नॉक देता है हमसे और मैं थोड़ा सा एम करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि स्मोक स्मोक हो चुका था वहाँ पे। खैर फिलहाल देखो इस बंदे की यहाँ पे भगी खड़ी थी तो मैं सोचता हूँ उसे लेके जाऊँगा, लेकिन भाई साहब ये लंगड़ी घोड़ी होती है यार, इसका एक टायर फूटा होता है यहाँ पे। मैं सही बता रहा हूँ, इतने में आधे में आपको चक्कर लगाया था, इतने में मैं गाड़ी यहाँ पे लेके आया था। अगर फिलहाल जो भी था यहाँ पे वापस एक भगी खड़ी होती है तो अब तो जाहिर वो बंदे रिवाइव हो चुके होंगे। तो मैं पिकाचू बोलता हूँ हम एक काम करते हैं, हम इस हाई रिस्क पे चलते हैं, यहाँ से पहले बंदा नॉक वॉक निकालेंगे वापस से फिर पुश करेंगे। और फिर देखो अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आते रोक देते बड़े प्यार से। और अब देखो भाई पिकाचू मेरे को यहाँ पे होम देता है क्योंकि यार उसकी गेम को ज़्यादा ही लैग हो रही थी, यार चार्ज ज़्यादा था नहीं। और एज यू नो अगर 10% नीचे हो जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा लैग होता है। अगर फिलहाल देखो मैंने उसकी ऑम ली और यहाँ थोड़ा एम करने की कोशिश करी और जैसे बंदा पीक करता है भाई साहब खच्चे से हेडशॉट, सॉरी पट्ट से हेडशॉट। और मैंने यहाँ पे बंदा पहले मैं फटाफट से क्लोजिंग कर देता हूँ। और इस फाइट के दौरान मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, बस तुम खुद देखना हम इन बंदों को क्या ही प्यारे तरीके से पेलेंगे। सीरियसली यार इन बंदों के पास कवर था, ग्रेनेड भी होंगे ही होंगे, जहाँ तक मैंने डब्बे तो खरीद के देखे नहीं लेकिन फिर भी इनके पास सब कुछ एडवांटेज था, तब भी यार हमने ओपन में रह के इन बंदों को भर दिया। अगर फिलहाल जो भी था यार अब जोन में बचा सिर्फ और सिर्फ एक बंदा और फाइनल थोड़ा स्पॉट करने के बाद मेरे को इस बंदे का हेड यहाँ पे चमक जाता है। तो भाई अब पिकाचू बोलता है ऐसे नहीं मारेंगे, हमें काम करते हैं इसके दरवाजे के आगे बगी खड़ी कर देंगे और फिर दरवाजा बस्ट कर देंगे, सॉरी बगी बगो बस्ट कर देंगे और फिर पेलेंगे। अब ट्राई अच्छा करा लेकिन यार बगी से होता नहीं है और पता नहीं वहाँ पे क्या हरकतें करने जाते हैं। खैर देखो बस मतलब हम क्या हरकतें करते हैं। मैं फिर से वापस याद दिला देता हूँ गाइस, बीटली लाइक को जाके सब्सक्राइब कर दो, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। और मैं उन सब्सक्राइबर के साथ ही खेलूंगा जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है गाइस, तो मेक श्योर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा हो तो आप मेरे साथ खेल सकते हो। अगर फिलहाल देखो हम पहुँच चुके हैं वापस उस बंदे की तरफ। अब यार पिकाचू पता नहीं क्या हरकत कर रहा है, वापस उसने गाड़ी खरी ली और इतना मेरे पास टाइम था तो मैंने फटाफट उस बंदे को भर दिया और चिकन डिनर अपने टाइम कर लिया। तो गाइस गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो अपना प्यार दिखाओ गाइस। इसी के साथ मिलते हैं कल फिर से, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे होम स्टे सेफ गाइस। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, वापस बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी बस बाय गाइस।